बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3, आज हम उर्दू की बुलंद खानी करेंगे। उर्दू की बुक निकालें, सफ़ा नंबर 75। सबक मेरा मुल्क और उसके हमसाए। हमसाए मतलब बेटा पड़ोसी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अहम अल्फाज। जमहूरिया, ममलिकत, वाक़ दारुल हुकूमत, सयाह, किला। हमारे प्यारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जमहूरिया, जमहूरिया मतलब वो मुल्क जिसमें आवाम के चुने हुए नुमाइंदों की हुकूमत हो। जैसे अब हम किसी बंदे को अपना नुमाइंदा मंतखब करते हैं, वोट देते हैं और फिर वो हमारे नुमाइंदे बनते हैं, वो क्या होता है इस्लामी जमहूरिया। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। नमूदार मतलब बेटा ज़ाहिर होना। इसका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और कौमी ज़बान उर्दू है। इसकी आबादी तकरीबन 20 करोड़ है। हमारा मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। पाक फौज दुनिया की 7वीं बड़ी फौज है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी पाकिस्तान ही में है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। पाकिस्तानी बहुत मेहनती और बहादुर कौम है। हमारे मुल्क की सरहदें ईरान, चीन, भारत और अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं, इसीलिए ये हमारे हमसाए ममालिक कहलाते हैं। आएँ इन हमसाए ममालिक के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। ईरान, ईरान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है। बेटा ईरान भी क्या है? इस्लामी जमहूरिया है। वहाँ पे भी हम वोट कास्ट करते हैं तो हमारे नुमाइंदे मुंतखब होते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान के नुमाइंदे इस वक्त कौन है? इमरान खान। अभी देखें, ये पाकिस्तान के मगरब में वाक़ है। इसके दारुल हुकूमत तहरान है। ईरान की कौमी ज़बान फारसी है। इसकी तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से है। ये अपने फ़नून मसलन मुसव्वरी, शायरी और अदब की वजह से मशहूर है। शेख सादी, हाफिज़ शराजी और मौलाना रूम जैसे ईरान में पैदा हुए और फ़न की बदौलत दुनिया भर में जाने गए। अस्फहान, मशहद, शराज और कुम ईरान के कदीम शहर हैं। अस्फहान अपनी खूबसूरती के बायस नसफ़ जहाँ यानी आधी दुनिया कहलाता है। ईरान और पाकिस्तान के आपस में गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के लोग आपस में खलूस और मोहब्बत के रिश्ते में बंधे हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के शुमाल मगरब में अफ़गानिस्तान वाक़ है। वाक़ मतलब बेटा मुकीम होना। अफ़गानिस्तान मुस्लिम अक्सरियत का मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत काबिल है। इसकी कौमी ज़बानें दरी, फारसी और पश्तो हैं। इनका कौमी खेल बुजकशी है। बुजकशी एक खेल होता है जो घोड़ों पर बैठ के दो टीमें आपस में मुकाबला करती हैं। इस तरीके का कोई खेल है। आई थिंक बकरे होते हैं बेटा, जो सरकटा बकरा होता है उसको मकाम पर पहुँचाना होता है, जो पहले पहुँचाता है वो जीत जाता है। इस टाइप का ही कुछ खेल है बुजकशी। अफ़गानिस्तान चारों तरफ से खुश्की में घिरा है। ज़्यादातर इलाके पहाड़ी हैं। समंदर ना होने की वजह से उसकी समंदरी तिजारत पाकिस्तान के ज़रिए से होती है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ज़मीनी रास्ता दर्रा खैबर से होकर जाता है। अफ़गानिस्तान के खाने काबली पुलाव, खमीरी रोटी और टिक्किया कबाब दुनिया भर में मशहूर हैं। भारत, पाकिस्तान के मशरिक में भारत वाक़ है। भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली है। आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। भारत को पाकिस्तान के साथ 1947 में ही आज़ादी मिली थी। यहाँ ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है, लेकिन मुसलमान और सिख भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मुग़ल हुक्मरानों ने अपने वक्तों में यहाँ बहुत सी खूबसूरत इमारात, मस्जिद और बाग़ात बनवाए थे। लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली कुतुब मीनार और ताजमहल पूरी दुनिया से आने वाले सयाहों के लिए आज भी खुसूसी दिलचस्पी का मरकज़ हैं। सयाह मतलब बेटा सैर करने वाले। चीन, पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़ है। इसका पूरा नाम अवामी जमहूरिया चीन है। चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। चीन और पाकिस्तान के आपस में गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक में तिजारत के लिए हवाई रास्ते के अलावा ज़मीनी रास्ता भी मौजूद है। शाहराह रेशम पहाड़ों को काट कर बनाई गई सड़क है जो पाकिस्तान को चीन से मिलाती है। चीन की तहजीब दुनिया की पुरानी तहजीबों में से एक है। यहाँ के लोग बेहद मेहनती और चाको चौबंद हैं।
इस मेहनत की बदौलत चीन ने कम अरसे में बहुत तरक्की की है। कदीम ज़माने में मुल्क की हिफाजत के लिए यहाँ एक तवील दीवार बनाई गई है, जो दीवारें चीन के नाम से मशहूर है। उसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। पाक चीन दोस्ती अपनी मिसाल आप है। चीन वो मुल्क है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देकर एक अच्छा हमसाया होने का सबूत दिया। यहाँ पर सबक हमारा मुल्क और उसके हमसाए मुकम्मल हुआ। हमने हमारे मुल्क के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उनके हमसाए ममालिक के बारे में भी काफ़ी हद तक पढ़ा है। अभी बेटा आप दोबारा एक बार रीडिंग कीजिएगा और उर्दू अदब की कॉपी निकालें। आज हम इसका टाइटल बनाते हैं। लास्ट क्लास में हमने सरगर्मी सफ़ा नंबर 86-87 बनाया था। अब सफ़ा नंबर 37 पर हमने क्या करना है बेटा, टाइटल बनाना है सबक मेरा मुल्क और उसके हमसाए। टाइटल बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत बनाइएगा। यहाँ तक आपका काम मुकम्मल हुआ। आगे इंशाल्लाह हम अगली क्लास में काम करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।